Good morning. Today we will start with our new topic, that is verb plus ing. Page number 3333 from our OME book. Can you see this? New Oxford Modern English, OME. Right? हम पहले रीडिंग करेंगे और बाद में हमारा लिखने का काम करेंगे, ठीक है? So, verbs are things we do, means action words, जो हम लोग करते रहते हैं हमेशा. जैसे यहाँ पे देखिए, see this first picture, क्या दिखाई दे रहा है हमें? Yes, a man is walking. देखो, ये क्या कर रहा है? चल रहा है. तो आपको रीड करना है, ये स्पेलिंग आपको रीड करना है. W A L K I N G, walking. W A L K I N G, walking. Again, repeat beta. W A L K I N G, walking. अब यहाँ देखो, हमारा next picture है a girl. देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको? या यू ऑल कैन सी अ गर्ल इज रनिंग. कैन यू सी दिस? देखो भाग रही है, दौड़ रही है, आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो अब हम रनिंग का स्पेलिंग लर्न करेंगे, रीड करेंगे और लर्न भी करना है, राइट? आर यू एन. अब जब यहाँ पे डबल एन क्यों आ रहा है, मैंने एक वीडियो आपको सेंड किया है, आपको उसमें पता चल जाएगा. अगर यहाँ पे वावल है, कैन यू सी दिस अ वावल यू. कॉन्सनेंट के आगे जब वावल लगता है तब आपको वो कॉन्सनेंट दो बार रिपीट करना होता है. ओके, सो आर यू एन एन आई एन जी, रनिंग. आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग. Now see this, a third picture is of a boy who is jumping, जो jump कर रहे है, right? Jumping कर रहे है, तो J U M P I N G, jumping. Again repeat with me, J U M P I N G, jumping. भूलना मत, आपको ये book reading करनी है, okay? Now see this, a fourth picture. Walking के नीचे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक लड़की है जो खाना खा रही है. So we will read it. E A T I N G, eating. Again repeat after me beta. E A T I N G, eating. Right? And now come to the next picture. What can you see? A boy is drinking a Coke or thumbs up or anything, right? So now we will read it. D R I N K I N G, drinking. अब यहाँ पे भी confusion ये होता है, ये D जो है ना, इसे D बोलते हैं. देखिए जब standing line होती है, now there is a confusion in D. देखिए standing line, और अगर C है, ऐसे C है, तो इसे बोलते हैं D, D for dog, right? Standing line और उल्टा C है तो इसे बोलेंगे B. जब हम small letter, small alphabet करते हैं तो इसे D बोलेंगे और इसे B है. This is B and this is D. So try to recognize D and B. There is very much confusion between D and B. Almost same है, सिर्फ mirror image होता है इसमें. So D R I N K I N G, drinking. D R I N K I N G, drinking. Now come to the next picture. A boy is sleeping. क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक लड़का है जो मस्त सो रहा है. तो हम क्या रीड करेंगे? S L E E P I N G, sleeping. S L E E
P-I-N-G, sleeping. Now, we will come to the next picture. That is, what can we see? You're a man who is digging. देखो यहाँ पे वो काम कर रहा है, वो खोद रहा है कुछ और वो काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे W O R K I N G, working. Again से W O R K I N G, working. Now we will come to the next picture. We can see a girl. हम देख रहे हैं कि एक लड़की है जो लिख रही है. क्या कर रही है वो? लिख रही है. तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वी विल रीड W R I T I N G, राइटिंग. अब यहाँ पे नॉर्मली हमारा ये होता है, देखिए यहाँ पे W R I T E, राइट होता है, E आता है राइट में. लेकिन जब हम I N G, ing लगाएंगे W R I T, तब E को हम ड्रॉप कर देंगे और I N G, ing लगाएंगे. ठीक है, राइट का राइटिंग हो जाएगा. वी हैव टू ड्रॉप दिस ई. ये वावल ई जो है वो हमें निकालना है. ये एक रूल होता है आई एन जी इंग करने के लिए, एक रूल होता है कि ई को निकाल के हमें आई एन जी इंग लगाना है. राइट, जहाँ पे ई होता है वहाँ पे आई एन जी इंग लगता है. लेकिन जैसे यहाँ पे देखिए एस डबल ई सी, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि एक ई निकाल दिया और एस ई आई एन जी, ऐसे नहीं होता है. दिस इज़ नॉट द वे. बट हियर वॉट आर वी गोइंग टू डू इज, वेन वी यूज डबल ई देन ओनली एस डबल ई आई एन जी सी. ओनली वेन देर इज वन ई वी हैव टू रिम्यूव इट एंड वी आर गोइंग टू राइट आई एन जी इंग. बट इफ देर इज डबल ई वी आर गोइंग टू यूज दैट डबल ई एंड पुट आई एन जी इंग, सींग. ओके, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पिक्चर, दैट इज रीडिंग. देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको. यहाँ पे एक लड़की है, बेड पे बैठी है, उसके हाथ में बुक है और वो देखो क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है. राइट, वो कुछ पढ़ रही है. तो यहाँ पे हम लोग भी पढ़ेंगे उसके साथ, R E A D I N G, reading. Again R E A D I N G, reading. We will come to the next picture. देखिए यहाँ पे एक ओल्ड मैन है, बराबर एक दादाजी खड़े हैं जो सिर्फ खड़े हैं, तो हम क्या बोलेंगे, S T A N D I N G, standing. S T A N D I N G, standing. अब हम नेक्स्ट पिक्चर पे आएंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, एक बड़े से रॉक पे, पत्थर पे एक ओल्ड मैन बैठा है, एक दादाजी बैठे हैं. राइट, तो हम क्या बोलेंगे, अगर बैठे हैं तो वी से सिट. तो यहाँ पे आएगा, देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, यहाँ पे कैन यू सी दिस, अगर एक कॉन्सनेंट के आगे वाउल आता है, यू नो ना ए ई आई ओ यू इज़ अ वाउल. अगर कॉन्सोनेंट के आगे वाउल होता है तो हम दो बार वो कॉन्सोनेंट रिपीट करते हैं. सेम वही रूल हम यहाँ पे भी लगाएंगे. कॉन्सोनेंट टी इज़ अ कॉन्सोनेंट और उसके आगे क्या है, यहाँ पे आई, इट्स एन वाउल. सो वी विल रिपीट द कॉन्सोनेंट एस आई डबल टी आई एन जी, सिटिंग. एस आई डबल टी आई एन जी, सिटिंग. ओके, सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग आवर वर्क इन आवर बुक वी विल डू द रीडिंग पार्ट. पहले हम पेज नंबर 33 ओ एम ई बुक में से पहले ये हम रीडिंग करेंगे और बाद में हम अपनी नोटबुक में क्या करेंगे, लिखेंगे. और कितनी बार आपको लिखना है जो मैंने दिया है वो? 2 times, डोंट फॉरगेट. ओके, सो बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस.